स्क्रीनशॉट हम कैसे टेक कर सकते हैं, उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उसको कैसे हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं और कैसे हम जेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में देखने को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए जो सारे एंड्रॉइड फोन के अंदर वर्क करता है वो रहता है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को आपको एक साथ प्रेस करना रहता है और होल्ड कर, प्रेस एंड होल्ड रखना होता है, आपका स्क्रीनशॉट टेक हो जाता है। यहाँ पे गाइस आपको बताया जा रहा है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो गाइस कैसे कर सकते हैं शेयर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से हमने स्क्रीनशॉट टेक किया, इसको प्रेस एंड होल्ड करके आप कर दिया तो ये शेयर हो जाएगा। जितने भी शेयरेबल प्लेटफॉर्म होंगे हमारे पास सारे यहाँ से हमारे ओपन हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका मेल हो गया, व्हाट्सअप वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप इनको शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस यहाँ से हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। एक बार हम फिर से स्क्रीनशॉट टेक करते हैं और इसको प्रेस एंड होल्ड रख के स्वाइप डाउन करते हैं और आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हैं इस प्रकार से। मेरे को यहीं तक चाहिए तो मैं इसको डन कर सकता हूँ। तो ये गाइस लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने का तरीका हो गया। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो जेस्चर्स है वो कैसे काम करेगा। आपको सिंपल सा गाइस क्या करना है, थ्री फिंगर लेना है और स्वाइप डाउन कर देना है और आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, स्वाइप डाउन विद थ्री फिंगर टू टेक ए स्क्रीनशॉट। तो गाइस यहाँ पे आपको इसका ट्यूटोरियल दे दिया गया है, अब हम यहाँ से सिंपल सा इसको स्वाइप डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट टेक हो जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद गाइस यहाँ से प्रेस एंड होल्ड रख के ऊपर करेंगे तो शेयर, नीचे करेंगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट। लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप इस प्रकार से ले सकते हैं। बाकी इसको अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर पाएंगे। इसका क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी, आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट के रिलेटेड सेटिंग्स पसंद आई होंगी और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ओके गाइस, तो स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी ईजी है इस डिवाइस के अंदर। बाकी गाइस अगर आप इसकी सेटिंग्स देखना चाहेंगे तो आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आप अगर किसी भी स्क्रीनशॉट को एडिट करते हैं तो उसका पहले वाला स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मेथड, जो है वो तीन मेथड हैं। पहला मेथड है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, जो कि मैंने आपको बता दिया। थ्री फिंगर टच एंड होल्ड, अगर मैं इसको टच एंड होल्ड रखता हूँ तो आपका जो पर्टिकुलर एरिया है आप उसका यहाँ से स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। ओके गाइस, और इस प्रकार से आप इसको सेव कर सकते हैं। बटन्स वाला है प्रेस द पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको भी क्लियर समझ आ गया होगा कि कैसे स्क्रीनशॉट टेक करते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।